को इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो रह जाती है उनकी यादें। हम उनके फोटोज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ये वीडियो कोई न्यूज़ रिलेटेड नहीं बल्कि टेक्निकल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में, जबकि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब उसके सोशल मीडिया अकाउंट का क्या होता है, उसे कौन हैंडल करता है या उस अकाउंट का क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आप सुशांत सिंह का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल कर देखोगे तो इन्होंने मार्च 2019 से 3 जून 2020 तक इन्होंने कुल 87 पोस्ट किए हैं। लास्ट पोस्ट में इन्होंने अपनी माँ की फोटोग्राफ शेयर की थी, लेकिन सुशांत सिंह के जाने के बाद इनका इंस्टाग्राम सेम नहीं रहा है, इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। इंस्टाग्राम ने इनका अकाउंट मेमोराइज कर दिया है और साथ ही लिख दिया है रिमेम्बरिंग। अगर आप इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है और इंस्टाग्राम को पता चलता है न्यूज़ से, आर्टिकल से, तो इंस्टाग्राम उस अकाउंट को मेमोराइज कर देता है, जिसमें इस अकाउंट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, साथ ही साथ फ़ोटो जैसी है एज इट इज़ रहेगी। और तो और इंस्टाग्राम उस यूज़र का लॉगिन आईडी भी प्रोवाइड नहीं कराती, क्योंकि इंस्टाग्राम इसे अपनी पॉलिसी के खिलाफ मानता है, विच मीन्स डिजीज पर्सन अकाउंट नो वन कैन हैंडल, ऑल पोस्ट विल रिमेन सेम विदाउट एनी चेंजिंग। और अगर आप उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका अकाउंट हटा दिया जाए तो यह भी पॉसिबल है। इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना होगा जिसमें उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत इकलौते ऐसे थे जिन्होंने कैंडल जेनर के साथ फ़ोटो शूट किया था, जो कि एक फेमस अमेरिकन मॉडल है। तो ये आप फ़ोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना सुशांत सिंह राजपूत के लिए और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हो। तब तक के लिए बाय।